डाउनलोड कीजिए। क्यों बदतमीजी की तुमने? वो तुमसे बड़े थे, अगर उनके कहने पर चंद लम्हों के लिए लगाम पकड़ लेते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? उसने हकीमाना शान से मुझे पुकारा था, जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ए छोकरा, इसका लगाम पकड़ो, हम अभी आता है। मिस्टर खान, देख रहे हैं आप करतूत अपने बेटे की। माफ कीजिए, मैं उस अंग्रेज कैप्टन का गुलाम नहीं था कि लगाम पकड़कर खड़ा रहता। मुझे नहीं करनी इन अंग्रेजों की गुलामी। शीर हो तो मुसलमान हो शकर, आपस में इत्तफाक का रिश्ता बढ़ाए जा। आदाब नाजरीन, आज जिक्र मौलाना जफर अली खान का। आप एक बुलंद दर्जा अदीब व शायर, सहाफ़ी और नक्काद थे। आपके इदारती मकालों, शोला बयां तकरीरों और शररबार नज़मों ने बरतानवी साम्राज्य को उस वक्त ललकारा जब उसकी सल्तनत में सूरज गुरूब नहीं होता था। तहरीक सिविल नाफरमानी का बाकायदा आगाज़ हो चुका था। मौलाना एक जलसे से ख़िताब करने के लिए जालंधर जा रहे थे के रास्ते में गिरफ्तार कर लिए गए। आपने भरी अदालत में कहा, कसम है जज्बाए हुब्बे वतन की बेपनाही की, हमारा मुल्क गैरों का गुलाम अब रह नहीं सकता। हमें जिंदा में भिजवाओ कि तुम सूली पे लटकाओ, मगर कायम ये अंग्रेजी निजाम अब रह नहीं। आपके वालिद मौलवी सिराजुद्दीन खान ने आपका नाम खुदादाद खान रखा था, लेकिन आपके दादा करम इलाही खान ने आपका तारीखी नाम निकाला था, जफर अली खान। आप अपने तारीखी नाम से मशहूर हुए। आपके दादा मौलवी करम इलाही खान, जिन्होंने कोट मेरठ के करीब ही एक नया गांव करमाबाद बसाया था, तालीम याफ्ता और रोशन ख्याल शख्सियत थे। जफर अली खान के वालिद चूंकि बसिलसिला मुलाजमत शहर से बाहर रहते थे, इसलिए आपने इब्तदाई तालीम अपने दादा मौलवी करम इलाही खान की देख रेख में हासिल की। फिर आपने मिशन स्कूल वज़ीराबाद में मिडिल पास किया और पटियाला के महिंदर कॉलेज से मैट्रिक किया। मौलाना शुरू से ही बला के जहीन और नुक्ता रस शायर थे। फिलबदी हज लिखने में उन्हें कमाल हासिल था। आपके दादा और वालिद सर सैयद अहमद ख़ान के तालीमी मिशन से बहुत मुतासर थे, इसलिए मैट्रिक के बाद जफर अली ख़ान को उन्होंने अलीगढ़ भेज दिया। यहाँ से एफ़ए करने के बाद जफर अली ख़ान कश्मीर चले गए, जहाँ उनके वालिद महकमे डाकोतार में मुलाजिम थे। जफर अली ख़ान ने कश्मीर में मुलाजमत कर ली, लेकिन यहाँ उनकी हुक्काम से अनबन हो गई, लिहाजा आपने मुलाजमत तर्क की और वापस अलीगढ़ पहुँच गए। चुनाचे आपने मुलाजमत तर्क की और दोबारा अलीगढ़ जाकर बीए में दाखिला ले लिया। यहाँ अल्लामा शिबली नौमानी, प्रोफेसर मॉरिस, प्रोफेसर आर्नल्ड जैसी हस्तियों से आपको तालीम हासिल करने का मौका मिला। अल्लामा शिबली की गैरमामूली सलाहियत और काबिलियत ने एएमयू के माहौल को पूरी तरह इल्मी रंग में रंग दिया था। मौलाना शिबली अपने सभी शागिर्दों की सलाहियत से बखूबी वाकिफ थे, जिसकी बिना पर सबको मुनासिब मशवरा देते थे और हौसला अफजाई करते थे।
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए। कहिए मियाँ, क्या कारगुजारियाँ हैं? तशरीफ रखिए। आने वाले इम्तिहान की तैयारी कर रहा हूँ और गजल कहने में तबा आजमाई भी। मियाँ, या तो शायरी छोड़ दो या फिर गजल की शायरी से तौबा कर लो और कौमी मसाइल पर इजहार ख्याल करो। इस गुलाम मुल्क को तुम जैसे जहीन, बहादुर और बासलाहियत नौजवान के कलम की सख्त जरूरत है। मैं आपके हस्बे हुक्म मिल्ली कौमी मसाइल पर अपना कलम उठाऊंगा। जीते रहिए। तालीम खत्म करने के बाद और सियासी जिंदगी का बाकायदा आगाज करने से पहले जफर अली खान ने कुछ वक्त हैदराबाद में भी गुजारा। यहाँ शिबली नौमानी की ईमा पर आपको अफवाज निज़ाम में लेफ्टिनेंट की नौकरी मिल गई थी। इसमें शिबली नौमानी के एक और तालिबे इल्म अजीज़ मिर्ज़ा ने जफर अली खान की बहुत मदद की थी। बहुत गुस्सा करते हो मियाँ, नवाब अफसरुल मुल्क बहादुर को भी नहीं बख्शते, क्यों? मुझे बहुत झल्लाहट होती है, मैं अंग्रेजों की नौकरी नहीं करना चाहता था, इसीलिए अफवाज निज़ाम को गनीमत जाना था, लेकिन पता नहीं था कि ये एक नुमाइशी इदारा, उस कमबख्त अंग्रेज रेजिडेंट के इशारे के बगैर तो यहाँ एक पत्ता भी अपनी जगह से नहीं हिल सकता। दरअसल सब्सिडरी सिस्टम के तहत निजाम फौज रखने पर मजबूर है। निजाम सिर्फ फौज रखने में खुश है और फौजी सिर्फ खाली बैठकर खुद को जंग लगाने में। लेकिन मेरा तो दिमाग खराब होता है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है जिससे तुम्हारी अदबी सलाहियतों को जंग लगने का अंदेशा ना हो। वो क्या? मैं सोच रहा हूँ कि आपको होम ऑफिस में मुतारजिम के अहदे पर फाइज कर दूँ। जी बेहतर रहेगा। जफर ने फिर होम ऑफिस में बतौर मुतारजिम काम किया। इसके बाद मजलिसे कानून साज के रजिस्ट्रार मुकर्रर हुए और फिर असिस्टेंट होम सेक्रेटरी के अहदे पर फाइज हुए और इसी दौरान मीर उस्मान अली के अतालीक मुकर्रर हुए। मौलाना ने इन अय्याम में अपना ज़ौक़े शेरो अदब जारी रखा, मुतादिद अंग्रेज़ी किताबों के तराजिम किए, अदबी महानामे जारी किए, मार्काए मजहबो साइंस का तर्जुमा इन्हीं दिनों पाए तकमील को पहुँचा। 1898 में लॉर्ड कर्जन की मशहूर किताब द गार्डन्स ऑफ पर्शिया का तर्जुमा ख़याबान फ़ारस के नाम से किया। अल्लामा शिबली नौमानी की किताब अल फारूख का अंग्रेज़ी तर्जुमा उमर द ग्रेट के नाम से किया। जापान जो उस वक्त गैर मारूफ सा मुल्क था, 1904 में रूस जैसी ताकत से टकराया और उसके गुरूर का सर मैदान जंग में नीचा कर दिया। बरतानवी इस्तेमार की जंजीरों में जकड़े हुए महकूम बाशिंदे इस वाकये से बहुत मुतासिर हुए। जफर अली खान ने अपनी असर पजीरी का सबूत 4 एक्ट और 39 सीन्स का ड्रामा लिख कर दिया, जंगे रूसो जापान। ये ड्रामा पहले डेक्कन रिव्यू और बाद में जमींदार में छपा। इसका मकसद जापानी कौम के जज्बे ईसारो कुर्बानी के हवाले से डरे सहमे हिंदुस्तानियों को झंझोड़ना था। हैदराबाद में मौलाना जहां रहा करते थे, वहीं करीब एक अंग्रेज खानदान भी मुकीम था। एक बार मौलाना अपने घर में अपने काम में मसरूफ थे कि उन्हें शोर सुनाई दिया। जब मौलाना घर से बाहर निकल के गए तो उन्होंने देखा कि मिस्टर ली का बेटा कुएं में गिर गया है और उसकी माँ यानी मिसेज ली रो रो कर अपना बुरा हाल कर रही हैं। मौलाना ने आओ देखा ना ताओ और कुएं में छलांग लगा दी और उस अंग्रेज बच्चे को बचाकर बाहर ले आए। माशाल्लाह, आप तो पहले से निडर हैं, आपकी शह सवारी, नेजेबाजी और फौजी मुकाबले में नवाब अफसरुल मुल्क बहादुर के सामने मुख उखाड़ कर दादे तहसीन हासिल करना खूब याद आता है। शुक्रिया। लेकिन मियाँ, तुम अंग्रेजों से हद दर्जा बेजार हो, फिर भी एक अंग्रेज बच्चे के खातिर
तुमने अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दिया। जनाब, बेजारी अपनी जगह है और इंसानी फर्ज अपनी जगह। उस लड़के की जान बचाकर मैंने अपना फर्ज अदा किया है जो बतौर इंसान मुझ पर आयद होता था। मौलाना ने अपनी जान को खतरे में डालकर उस कौम के फर्द की जान बचाई थी जिसको मुल्क से बाहर निकालना वो अपनी जिंदगी का मकसद मानते थे। एक बार सरकारी तौर पर हैदराबाद में एक नीम बरहना रक्स का एहतमाम किया गया। इख्तिताम पर मौलाना जफर अली खां को रक्स करने वालों का शुक्रिया अदा करने के लिए कहा गया। ये नीम बरहना रक्स बेहयाई और बेगैरती का खुला मजहरा अंग्रेजी तहजीब में तो बर्दाश्त किया जा सकता है और इसे ब्रिटानिया की बरहना तहजीब का तुर्राए इम्तियाज करार दिया जा सकता है। इस बरहना रक्स ने हमारे मुआशरे की दीवारों में शगाफ करने की सही की है। मेरा जमीर इस अम्र की इजाजत नहीं देता कि ऐसे हयासोज मजहरों का शुक्रिया अदा करूं। ये सुनकर जनरल ओडायर रेसिडेंट हैदराबाद भड़क उठा। उसने हुकूमत हैदराबाद से एहतजाज किया लेकिन मौलाना ने माजरत ना की। बहुत जल्द मौलाना को हुक्मनामा मिला जिसमें लिखा था कि उन्होंने वली अहद के साथ मिलकर निज़ाम के खिलाफ साजबाज की है, लिहाजा उन्हें रियासत से निकाला जाता है। साहब, ये लीजिए। क्या है ये? ये निजाम का हुक्मनामा। निजाम का हुक्मनामा? ये निजाम का नहीं बल्कि शैतान का हुक्मनामा है। शैतान से मेरी मुराद सर माइकल ओडायर रेजिडेंट हैदराबाद। मौलाना जफर अली खान के वालिद मौलवी सिराजुद्दीन खान ने 1903 में जमींदार कर्माबाद से निकालना शुरू किया और 1909 तक इससे जुड़े रहे। फिर उनकी वफात के बाद इस अखबार की जिम्मेदारी मौलाना जफर अली के कंधों पर आन पड़ी। बेटा जी, लग नहीं रहा कि उम्र वफा करेगी। अब्बा हुजूर, अल्लाह पाक आपका साया हमारे सर पर हमेशा बरकरार रखे। जीते रहो। देखो, अखबार जमींदार से गाफिल ना हो, इसे मैंने अपने खून से सींचा है। अगर तुम इसकी एडिटरी ना कर सको तो किसी और के सुपुर्द कर देना, जिसके दिल में कौम का दर्द हो और जो जिम्मेदारों की खिदमत गुजारी को अपना नस्बलैन बनाए हुए हो। बासुर, आप फिक्र मत करें, इस अखबार को मैं खुद संभालूंगा। मैं जानता हूं कि आपने कितनी काविशों से इसे परवान चढ़ाया। मैं इसके साथ कभी ज्यादती नहीं होने दूंगा। अब्बा हुजूर, जीते रहो। अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, नहीं अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर। आप अपने जिगरी दोस्त चौधरी शहाबुद्दीन के कहने पर अपने अखबार के साथ कर्माबाद से टकसाली गेट लाहौर मुंतकिल हो गए। सलाम अलैकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हुजूर? शुक्रिया, शुक्रिया। इधर और चाय का इंतजाम करने के लिए। अरे, किसी तकल्लुफ में पड़ने की जरूरत नहीं है। तकल्लुफ कैसा, चाय और हुक्का तो आप पसंद फरमाते हैं। मजा फरमाया आपने। इस बार बड़े दिनों में लाहौर का रुख किया। बस क्या बताएं, जब से जमींदार संभाला है कुछ मसरूफियत बढ़ गई। क्या मसरूफियत? लाहौर वालों को सब मालूम, सुबह 2-3 घंटे मजमून लिखते हैं, कातिल के हवाले करते हैं और फिर शिकार पर निकल जाते हैं। क्यों? बजा भरवाते हैं। देखिए,
लाहौर अब सियासी, मिल्ली, अदबी और तहजीबी मरकज बन गया है जी। ऐसे में आप अपनी सलाहियतें सिर्फ जमींदार तक ही महदूद ना रखिए। मेरी मानिए, गांव में बैठकर आप अपनी सलाहियतें जाया मत करिए जी। जमींदार को यहाँ लाहौर ले आइए। हाँ, सही फरमाते हैं आप। 10 मई 1911 से जमींदार और पंजाब रिव्यू लाहौर से निकलना शुरू हुए। मौलाना ने जमींदार की पेशानी पर सूरे रात की 11वीं आयत का शेरी तर्जुमा छापना शुरू किया और लोगों को दावते अमल दी। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। इसी के साथ आपके हंगामा खेज उसलूब, नादिर अंदाज़े तहरीर व तकरीर और तंजिया शायरी ने अंग्रेज़ी इख्तदार को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। कानपुर के मछली बाज़ार में सरे राह एक मस्जिद थी। अगस्त 1913 में म्यूनिसिपैलिटी इस मस्जिद के एक हिस्से को तोड़कर सड़क सीधी करना चाहती थी। मुसलमान इसके खिलाफ थे। उन्होंने इस मंसूबे को रद्द करने की सूबे के गवर्नर जेम्स मिस्टन से अपील भी की, लेकिन अपील करने वालों के जज्बात से बेनियाज जिले का कलेक्टर मुआयने की गरज से आया और जूतों समेत मस्जिद में दाखिल हो गया और फिर बाहर आकर लोगों के मजमे से बोला, सुनिए, चूंकि हम जूते पहने हुए मस्जिद के मशरिकी हिस्से में चले गए थे, लिहाजा ये मकामे जुज़्ब मस्जिद नहीं और इसके मुनहतिम कर देने में कोई हर्ज नहीं। इस एहतजाज के बावजूद म्यूनिसिपैलिटी ने मस्जिद के एक हिस्से को जबरदस्ती शहीद कर डाला। कौमी रहनुमाओं ने फौरी तौर पर एक जबरदस्त जलसा मुनाकिद करके ये फैसला किया कि मुनहदिम शुदा हिस्से की फौरन मरम्मत कर डाली जाए। काम शुरू हुआ, जिससे हुक्काम चिराग पा हो गए और बिला तामुल फायरिंग का हुक्म दे दिया। इस तरह बेशुमार मुसलमान मर्दों, औरतों और बच्चों को जामे शहादत पीना पड़ा। जमींदार में जफर अली खान ने इस हादसे पर शदीद तनकीद व नुक्ताचीनी की। अल्लाह अल्लाह जूते के जोर से मस्जिद को शहीद कर देने का ऐलान और मुसलमानों की जबान बंद कर देने की गरज से उन्हें कायल करने की नीयत, कैसी जबरदस्त हिकमत अमली है। अगर खुदा ना खास्ता जूते पहन कर जाना ही मस्जिद ना होने का मयार करार पाया तो दिल्ली की जामा मस्जिद का खुदा हाफिज है, क्योंकि खुदा के घर की इस मुकद्दस जमीन का कोई गोशा बचा होगा जो मगरबी जूतों की एड़ियों से पामाल ना हुआ। इस तनकीद का नतीजा ये हुआ कि जमींदार की जमानत के 2,000 रुपए जब्त कर लिए गए और मजीद 10,000 रुपए बतौर जमानत तलब किए गए। जमींदार ने न सिर्फ दौलत यूरोप के इस्तेमारी अजाइम को बेनकाब किया बल्कि तुर्कों की माली इमदाद के लिए भी अपील की। 5,00,000 रुपए जमा किए और इन पैसों को खुद मौलाना ने तुर्की पहुंचाया। कोई पूछे कि ऐ तहजीबे इंसानी के उस्ताद, ये जुल्म आराइयां ताके ये हश्र अंग्रेजियां कब तक। He is very daring. जफर अली खान जानता है कि इस्तांबुल में हमारे पंजे पूरी तरह गड़े हैं और यहां भी हमारी हुकूमत है। उसके बावजूद भी इतना स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म। नॉट ओनली दिस, he collected money for helping Turkish people. और वो पैसा हैंड ओवर करने वहां वो खुद गया था। He met Khalifa and he had meeting with him. Yes, I do have a strong belief कि ये उनका स्पाई है। Indian Muslims abide by his words. टर्की इस आदमी को यूज करके यहाँ भी अपराइजिंग शुरू करवाएगा ताकि हम डिस्टर्ब हो जाए।
इस आदमी के पीछे हर वक्त खुफिया पुलिस रहनी चाहिए और फौरन इसके अकबर जब्त करो। मगर सर, वो कुछ भी करके जमानत की बड़ी से बड़ी रकम अदा कर देता है। सर वाह, हम भी कुछ करो। रिम जमींदार, पंजाब हमारी हुकूमत की बैकबोन है। हम इस एरिया पे हर तरह से रिलाई करते हैं। फॉर वर्स वी हैव टू रिक्रूट सोल्जर्स फ्रॉम रावलपिंडी, झेलम, अटक, कैंबलपुर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर हमने इस सरफिरा जर्नलिस्ट को बेलगाम छोड़ दिया तो हमारा प्लान चौपट हो जाएगा और पब्लिक बागी हो जाएगी। सर माइकल ओ डायर, गवर्नर पंजाब, ने अपनी खुद नविश्त सवाने हयात में लिखा है, इन द ईयर ऑफ 1912 मिस्टर जफर अली खान। जफर ने 1916 में तरके अंजुमने हिलालो अहमर के लिए चंदा जमा करना शुरू किया और तुर्की के वजीर आजम की खिदमत में चंदा पेश करने खुद कुस्तुनतुनिया गया। तुर्की से वापसी पर उसके अखबार का अंदाज़ तहरीर बरतानिया की मुखालफत में बेहद तुंद होता चला गया और इसे मुतादिद बार मुतनब्बे करने के बाद कानून जमानत जब्त करने पर मजबूर हो गया। मजीद जमानत तलब की गई जो दाखिल कर दी गई। जमींदार फिर निकला और उसने फिर बागियाना और आतिशी मकाले शाया करने शुरू कर दिए। इस पर न सिर्फ उसकी जमानत जब्त की गई बल्कि प्रेस भी जब्त कर लिया गया। मौलाना की तहरीरों के साथ साथ आपकी तकरीरें भी वलवला अंगेज होती थीं। 14 अगस्त 1920 में हिजरों के जलसे में एक तकरीर की बिना पर आपके खिलाफ मुकदमे बगावत कायम कर दिया गया। आप पर इल्जाम था कि आपने अपनी तकरीर में हुकूमत बरतानिया को खूब खरी खोटी सुनाने के अलावा ये भी कहा, प्रिंस ऑफ वेल्स आ रहे हैं, अगर हुकूमत बरतानिया चाहती है कि हम उनका खैर मकदम करें तो उसका फर्ज है कि तहरीक खिलाफत में मदाखलत ना करें। मक्का मुअज्जमा, मदीना मुनव्वरा, बैतुल मक़दस और बगदाद वगैरह को खाली करें, तुर्की को हिफाजत व जमानत दे, मार्शल लॉ का दोबारा निफाज न किया जाए, रॉलेट एक्ट को मनसूख किया जाए। आपको जेरे दफा 124A और 153 गिरफ्तार कर लिया गया और आपको 5 साल कैद बामशक्कत की सजा और 1000 का जुर्माना हुआ। बसूरत अदम अदायगी 6 महीने मजीद कैद बामशक्कत। सजा काटने के लिए आपको मॉन्टगोमरी जेल भेज दिया गया। जब आप सबसे पहले गिरफ्तार हुए और लाहौर जेल लाए गए, चलिए अंदर, दरवाजा खुलेगा तभी अंदर जाऊंगा। लेकिन जेल के कवायद के मुताबिक तमाम कैदियों को जेल की खिड़की से झुककर ही अंदर जाना पड़ता है। सर, जो खुदा के सामने झुकने के लिए है वो बरतानवी इस्तबदाद और जेल के हुकामों के सामने नहीं झुक सकता। दरवाजा खुलेगा तभी अंदर जाऊंगा। मुझसे बजुज खुदा के किसी के हुजूर में अपना सरे न्याज झुकाया ना जाएगा। मौलाना की जिद के आगे जेल हुकाम को झुकना पड़ा और मजबूर होकर सदर दरवाजे का एक किवाड़ खोलना पड़ा। हिंदुस्तान को आईनी इस्लाहात देने और दर्जाए नौ आबादियात की मंजिल तक पहुंचाने का दस्तूरी रास्ता मुतय्यन करने के लिए एक कमीशन सर जॉन साइमन की सरपरस्ती में मुकर्रर की गई। इस कमीशन को हिंदुस्तानी सियासी रहनुमाओं से मुलाकात करके उनके ख्यालात हुकूमत बरतानिया तक पहुंचाने थे ताकि उन ख्यालात की रोशनी में हुकूमत बरतानिया मजीद इस्लाहात राइज करें। इस कमीशन में कोई हिंदुस्तानी रहनुमा शामिल न था, इसलिए हिंदुस्तानी सियासी रहनुमाओं ने इसके बॉयकॉट का फैसला किया। मौलाना जफर अली खान ने फरमाया, जिस रोज कमीशन साहिले हिंद पर उतरे पूरे मुल्क में हड़ताल कर दी जाए। मिल जाओ हिंदुओं से और दोनों मिल के कर लो अपने वतन में कायम एक ऐसी राजधानी। शेख और ब्राह्मण को जो एक आंख से देखे
करता हो अदल जिसका दोनों की पास बानी, अंग्रेज फिर तुम्हारा एका करा रहा है साइमन कमीशन ताई दे आसमानी। 1920 में आपने तहरीक तर्क मवालात की हिमायत में कहा, ब्रिटानिया से तर्क मवालात कीजिए, इसके खिलाफ कीजिए जो बात कीजिए। आप कांग्रेस में शामिल हुए, नीली पोशाक तहरीक से जुड़े, हुर्रियत से जुड़े, मुस्लिम लीग में भी रहे, आप किसी भी पार्टी में रहे हों, आपने अपनी जिंदगी का मकसद वतन पर कुर्बान होने को ही माना। जिंदगी उनकी है, दीन उनका है, दुनिया उनकी है, जिनकी जाने कौम की इज्जत पे कुर्बान हो गई। 27 नवंबर 1956 को 94 साल की उम्र में आपका इंतकाल करमाबाद पाकिस्तान में हुआ। अंग्रेजी साम्राज्य के तईं नबरद आजमा रहने के सबब आपने 94 साल में से 14 साल कैदोबंद में गुजारे, गोया उम्र का छठा हिस्सा जेल की नजर किया। 2,00,000 रुपए से ज्यादा जुर्मानों की शक्ल में हुकूमत को दिया, लेकिन आजादी हिंद का ये शहदाई 1947 में बरपा हुई कयामत सुगरा के बाद पाकिस्तानी कहलाया। मौलाना जफर अली खान के बेबाक कलम को सलाम, उनकी उन तमाम नज़मों, तहरीरों और तकरीरों को सलाम जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सांझी विरासत हैं। मौलाना जफर अली खान को सलाम। वो सूरतें न जाने किस देश बसतियां हैं, अब जिनके देखने को आंखें तरसतियां हैं।